हेलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि एक्सरसाइज 2B के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के सारे 12 नंबर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको समझाया था। तो अभी बात करते हैं एक्सरसाइज 2B के सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फोर फिफ्थ पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पांच पार्ट, छह पार्ट दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपको करके एक दो क्वेश्चन सेकंड के मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे 2/3 × 5/44 × 33/35 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस नंबर से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काटेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही कटेगा। तो यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ये 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35। और देखिए ये 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11 11 4 जा 44। ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इतना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आया उसको लिख लेते हैं। ऊपर बचा है 1 × 1 1 × 1 बचा, फिर नीचे आपका क्या बचा है, 2 × 7 इतना बचा हुआ है। इसको हम कैलकुलेट कर लेगा तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा 1/7 × 14 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। ये अच्छे से समझ में आएगा ऐसे, या इसके सारे पार्ट हैं, कोई एक पार्ट और मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। इसका फोर नंबर पार्ट अगर देख ले, हम फोर नंबर पार्ट की बात करें तो फोर नंबर पार्ट में देखिए ये मिक्स में दिया हुआ है। चाहे तो आप इसको मिक्स में पहले सॉल्व कर ले, ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया है 7 7 का 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ऐड देंगे। 7 1 जा 7 7 और 4 11 11 बाई 7, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई। 22 1 जा 22, 22 में 13 को ऐड करेंगे तो 3 2 5, ठीक है, और 3 1 2 और 1 3, 35/22 मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 15 1 जा 15 15 और 1 16 16 बाई 15। इतना करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ 11 3 कटता है, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, ये कट गया। 5 से देखिए कटता है, 5 3 जा 15 5 7 जा 35, ठीक है, इतना कट रहा है। 2 से देखिए 2 1 जा 2 16 कटता है, 2 8 जा 16। अभी 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची उसको लिख लेते हैं। 1 × यहाँ पे 1 बचा है, × ये बचा है 8, ठीक है, अपॉन में क्या बचा, 1 × 1 1 × 1 × 8, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8/3। तो ये इस सेकेंड के फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हो। तो मिक्स में चेंज करने का मैं तरीका बता चुका हूँ आपको कि डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के लिए 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते समय क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितने टाइम जाएगा, 3 2 जा 6 6 आया, यहाँ पे 2 बचेगा। तो मिक्स में अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं 2 होल 2/3, आसानी से इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 होल 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के जितने भी 6 पार्ट दिए गए हैं इसको आप लगा लीजिएगा। मैं बात करता हूँ आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपके 15 पार्ट दिए गए हैं, 15 पार्ट, और सारे के सारे सिंपल हैं। देखिए जैसे
ऑफ का मतलब आप सभी को पता है कि ऑफ क्या चीज़ होती है। ऑफ का मैं मतलब बता चुका हूँ कि ऑफ का क्या मतलब होता है। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैसे 1/3 लिखा हुआ है, ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन बना के 24 लिख लें और 3 से काट दें, 3 8 जा 24, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4 नंबर, देखते हैं फर्स्ट हो चुका है हमारा 4 नंबर, देख लेते हैं इसका 7/50। 7/50 को सॉल्व करेगा तो मल्टीप्लिकेशन कर लो 1000, ठीक है, तो 1000 इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि 0 से 0 कट जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 आ जाएगा और कुछ कट नहीं रहा, तो ये आपस में 7 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 20 का मल्टीप्लाई करके आंसर आप लीजिए 720। 7 2 जा होता है 14 और 140 का आंसर आ जाएगा। तो ये थर्ड का 4th नंबर पार्ट था। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से हैं, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं बिल्कुल। जैसे 4th के बाद 5th आपका सिंपल है, 6th नंबर सिंपल है, 7th नंबर भी सिंपल है, ठीक है, 7 के बाद 8th नंबर और 7th नंबर जैसे सेम चीज़ें हैं वैसे हैं। 9th नंबर की बात करें ज़रा, हम 9th नंबर को बता देते हैं ज़रा, 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बता दे रहे हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि 1/6 ऑफ एन आर, तो आपको पता है कि 1/6 किसी एक घंटे का निकालना है, तो 1/6 तो ऐसे ही सेम एज इट इज लिख देंगे, 1 आर को लिखते हैं 60 मिनट, मिनट में लिखते हैं इसको, तो मिनट में लिखने के बाद इसको अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो 6 × 6 जाएगा और 6 × 6 तो 0, ये आपका 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 10 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका 10 मिनट में आ जाएगा। 9 नंबर के हम लोग बात कर लोग और ढेर सारे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5/6 ऑफ एन ईयर, एक साल का 5/6 बताना है आपको, 5/6 एक साल में आपको पता होनी चाहिए कि कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो जैसे 5/6 है, 5/6 और एक साल में कितने महीने होते हैं आपके, 12 महीने, तो 12 महीने 6 × 12, 5 × 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 × 2 यानी 10 मंथ इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका 10 मंथ आ जाएगा, ठीक है, 10 मंथ आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आगे के कई क्वेश्चंस की, जैसे 1 kg के बारे में पूछ रहा है, तो इसको आप चाहो तो ग्राम में चेंज कर सकते हो। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है तो 7/20, उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको करना है 1 kg, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 5 = 10 × 0 = 50 आ जाएगा आपका, और 7 × 5 = 350, 350 ग्राम, 350 ग्राम ये आपका हो जाएगा। तो ये 2B एक्सरसाइज के ये ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपका लिखा है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कौन सा अगला है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की। तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल आर सोल्ड एट ₹48 होल्स 4/5 पर kg, मतलब एप्पल जो है बेचे जाते हैं 48 रुपीस 4/5 पर kg में, ठीक, व्हाट इज़ दी कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल, मतलब क्या कॉस्ट होगा अगर मैं इतने kg एप्पल बेचूं, ठीक है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे बताया गया कि 48 रुपीज़, लगभग 48 रुपीज़ के आसपास 1 kg जो है एप्पल बेचे या खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 kg लिखेंगे यहाँ पे, 1 kg एप्पल की कॉस्ट है 48 रुपीज़, 4 by 5, 48 और 4 by 5 रुपीज़। ठीक है, इतने रुपीज़ में ये एप्पल बेचे जा रहे हैं। फिर अब बात करेंगे कि पूछ रहा है इसमें कि क्या कॉस्ट होगी लगभग 3 holes 3 by 4 kg एप्पल्स का। तो 1 kg का इतना है, 3 holes 3 by 4 का पूछा होगा तो आपस में, kg एप्पल का पूछा होगा तो इसका, इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सा। इतने के जी एप्पल बताने के लिए हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 holes 4 by 5 into 3 holes 3 by 4। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 5 जा 40, 40 के 0 carry 4 5 4 20, 20 में जब 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। जैसा कि ऊपर हमको 4 ऐड भी करना है तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, 0 हट जाएगा आपका और 0 की जगह पर 4 और आ जाएगा, तो 244 आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। इंटू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 12 और 3 15 बाई 4, काट दीजिए इसको, 5 1 5 5 3 15 को काट दीजिए, 4 1 4 6 24 और 4 1 4, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो मल्टीप्लाई 61 into 3 है, मल्टीप्लाई करिए 3 1 3 3 6 18। तो जहाँ तक कि मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो जो आपके लगभग 3 किलो जो एप्पल थे वो आपके 183 रुपीज़ के आसपास के पड़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट 42 रुपीज़ 1 by 2 पर मीटर, मतलब कपड़ा जो है बेचा जाता है 1 मीटर का जिसका रेट है 42 holes 1 by 2 meter पर मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 holes 3 by 5 meter ऑफ दिस कॉस्ट। इतने मीटर का कपड़ा खरीदेगा तो क्या कॉस्ट होगी, तो सिंपल सा वही मल्टीप्लाई का फंडा लगेगा जैसा अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया क्या, कि 42 holes 1 by 2 है, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा आपका 5 holes 3 by 5 का, आपस में कैलकुलेट कर ले, 2 to the 4 6 4 to the 8। अगर मैं बात करूँ ये 84 आया तो 84 में 1 ऐड भी होगा, 1 ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये 185 हो जाएगा आपका, 85 by 2 और फिर उसके बाद 5 5 जो 25, 25 और 3 28 आ जाएगा बाई 5, ये कट जाएंगे यहाँ पे, 2 1 2, 2 4 8, ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 अंदर 5 5 अंदर 5, कैरी 3 5 7 जा 35, कितना बचा आपका 17 into 14। तो 17 और 14 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 17 into 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके कर देते हैं, 4 7 जा 28, कैरी 2 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा आपका, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, कैलकुलेट कर लीजिए ये हो जाएगा 7 और 6 13, 31 238 रुपीज़ आपका आ जाएगा, जो इस कपड़े के लिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 238 रुपीज़ के कपड़े, उसने जितने मीटर आपके पूछा गया है 5 मीटर और 3 by 5, 5 होल 3 by 5 मीटर के बारे में। फिर उसके बाद
बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन सिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे दिखाया गया है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार जो है कोई एक सर्टेन डिस्टेंस तय करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार ये डिस्टेंस तय करती है। फिर उसके बाद कह रहा है पर आवर के, पर आवर ये तय करती है, ठीक। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर, उसे कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 9 आवर में, ठीक। वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी 9 आवर में, तो 1 घंटे में इतना कवर किया जा रहा है तो 9 आवर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल सा, जैसा कि दिखाया गया इसमें 9 आवर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए इसका हो जाएगा 66 और 2 बाई 66 होल 2 बाई 3, ठीक है। 66 होल 2 बाई 3 में मल्टीप्लाई करना 9 का, तो 9 का इसका इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 3 18 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19, और इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, तो 2 ऐड होते ही ये कितना पहुंच जाएगा, 200 पहुंच जाएगा। तो ये इसको मैं 200 पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 200 हो जाएगा, फिर अपॉन में 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आपका 9 है, मल्टीप्लाई में आपका 9 है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9। अब फिर 3 से 200 को मल्टीप्लाई करें तो अगर देखा जाए तो आंसर आएगा 3 2 600, ठीक। कितना आंसर आया, 600। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसको 9 घंटे में यानी 9 आवर में कितना तय करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, 600 किलोमीटर, ठीक है, ये आएगा आंसर आपका।